सबको नमस्ते। ये जो चावल मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी चावल बना है, जिसमें मैंने चने की दाल, देसी चना, जो काले चने होते हैं, वो डाल के बनाई। बहुत टेस्टी बना। आप लोग वीडियो देख के आइए, फिर मैं बात करूँगी आप लोगों से। रात को भिगोए हुए मेथी के दाने और बादाम। भिगाए हुए मेथी सुबह सुबह खाने से अपना मोटापा कम करने में मदद करता है और अपना वात पित्त भी कम करता है। वो पानी भी पियेंगे और दाने भी खाएंगे। बादाम भी छील के परिवार में सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। देसी चना डाल के फ्राई किए हुए चावल बनाएंगे अभी। इसमें मेथी के दाने जो भिगोए हुए ये हैं, और ये उड़द दाल, राई, चने की दाल, जीरा, हरी मिर्ची, लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कड़ी पत्ता, अदरक किसा हुआ, भिगोए हुए देसी काले चने और टमाटर कटे हुए 3-4। इसमें प्याज, कढ़ाई में तेल डाल के, तेल गर्म होने के बाद जीरा, सरसों, चने की दाल, उड़द दाल। चने की दाल, उड़द दाल जब तेल में सिकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आता है। खाते समय दांतों के बीच में जब दाल आता है तो क्रंची क्रंची लगते हैं, अच्छा लगता है कट कट खाने में। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्च सिकता है तो बहुत अच्छा खुशबू भी आता है, खाते समय बहुत टेस्टी भी लगते हैं, चावल के साथ खाते हैं तो। कड़ी पत्ता, किसी हुई अदरक, ये हल्के से सिक रहे हैं, इसी समय में प्याज डाल दूंगी। प्याज ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो नहीं डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्याज इसलिए जल्दी साथ में तुरंत डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दाने हैं ना, ये जलेंगे नहीं उसकी नमी से, प्याज की नमी से, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं, साथ में सभी सिक जाएंगे अच्छी तरह से। सब अच्छी तरह सिकने के बाद मैंने मेथी के दाने डाल दिए। मेथी के दाने भिगा हुआ है, इसीलिए वो कड़वे नहीं लगेंगे, हल्का से उसको सेकना है। खाते समय बिल्कुल भी पता नहीं पड़ेगा कि आपने मेथी के दाने डाले हैं। ये चने डाल दिए मैंने, कच्चा चने ही, वो पक जाएंगे इसमें। इसमें अपन इमली का पानी डालेंगे, इसीलिए 2 दिन से बारिश भी हल्का सा हो रहा है, इसीलिए अपन मेथी के दाने खाएंगे तो अपन को वात का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी बादी होता है इमली में, वो चीज़ नहीं होता, मेथी के दाने बैलेंस कर देता है। हमारे बुजुर्ग लोगों ने हर चीज़ खाने के लिए बताया, उसके साथ बादी के चीज़ उसमें ऐड कर देंगे तो वो चीज़ हमको नुकसान नहीं करेगा, जो भी अपन खा रहे हैं उसके साथ। इसको ढक्कन बंद कर देंगे। अभी देसी चना अच्छी तरह पक चुके हैं। जब भी अपन खटाई खाते हैं तो मेथी के दाने उसमें डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो नुकसान करता है खटाई, मेथी के दाने बैलेंस कर देता है। टमाटर डाल दिए, अब इनको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे, फिर बाद में इसमें इमली का पानी डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल चुकी हूँ, अभी इमली का पानी। इमली का पानी हमेशा मैं अलग से पका के डालती हूँ, अलग से पका के ही मैंने इसमें डाली है, और ये गुड़ का छोटे से 3 टुकड़े डाल दिया है। जो भी चीज़ इसमें डले हैं वो सब अच्छी तरह पक चुके हैं। अब पके हुए चावल इसमें डाल लेंगे। ये बासमती चावल है,
लंबे लंबे चावल नहीं टूटे इसीलिए मैं इस चम्मच के सहारे से मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी इन चावलों को। नमक डल चुका है, फिर भी ज़रूरत है तो थोड़ा नमक और ऐड कर लेंगे। देसी चने इमली की खटाई में पके हैं तो हल्का सा गुड़ डाला है, मिर्ची भी आप लोगों को ज़रूरत है और थोड़ा मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं जो ज़्यादा मिर्ची खाएंगे। सुबह सुबह का वक्त इसीलिए नहीं डाली हूँ, अगर ये दोपहर में तो मैं और थोड़ा लाल मिर्च या हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। अदरक भी अपने अच्छे से डाल दिया है इसमें, अदरक भी खट्टा मीठा अच्छा लगेगा। लंच बॉक्स में कभी कभी इस तरह से भी बना के दे सकते हैं, अच्छा लगेगा बच्चों को या हस्बैंड को भी। आज मैं लंच बॉक्स में इनको यही देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो देख लिया कैसे लगा? बहुत टेस्टी बना है, मैं खा चुकी हूँ। मैं अभी सुबह जो वीडियो अपलोड किया था आप लोग अभी देख चुके होंगे उसको, दोबारा वीडियो तुरंत मैं बना रही हूँ, अभी थोड़ा देर के बाद अपलोड करूँगी, इसीलिए कि कल हम लोगों को लॉकडाउन खुला और बहुत दिन के बाद हमें भी जाने को मन किया, हम लोग कल शाम को निकले। पर वहाँ हमने जो वीडियो में दिखाया है बिल्कुल भीड़ नहीं है, वो सच था। पर मुझे वीडियो देख के किसी ने फ़ोन करके बताया वो नज़ारा दिन में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। इसीलिए आप लोग ध्यान दे के वो वीडियो देख के लोग भीड़ नहीं ऐसे करके नहीं जाइए, क्योंकि दिन में मास्क तो सब पहन रहे पर भीड़ ज़्यादा है, अपन को भीड़ से भी बचना है। बहुत ज़रूरी है तो जाइए, नहीं तो घर में रहना ही अच्छा है। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपन कर सकते हैं, इसलिए अभी इस समय ऑलरेडी वो पहले ही पैक होता है, वो सामान पैक किया सामान हमारे घर तक आने में दे थोड़ा समय लगता है, फिर एंड अपन उसको 12 या 24 घंटे तक अपन बाहर रख देते, उसको छूते नहीं, इतना डिस्टेंस में अपन सेफ रहते हैं। जितना ज़रूरत है अपन ऑनलाइन शॉपिंग करने से अच्छा ऐसे मुझे लगा। आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी पूरा ही लॉकडाउन खुली है तो लोग बिंदास बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग ये जो इतना 77 डेज का जो अपन को प्रिकॉशन लिया वो सब फॉलो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझको बताया गया है। क्योंकि मैं बाहर की नज़ारा नहीं देखा, कल अचानक मैं फर्स्ट टाइम 77 डेज के बाद अपना घर का द्वार से बाहर होके मैं कल गई, बहुत अच्छा लगा। जहाँ जिस जगह पे अपन सब्जी सब कुछ खरीदते हैं वो सब जगह देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। पर हालांकि वो नज़ारा दिन में नहीं होता है, वो 5 बजे बंद हो जाता है, उसी समय हम गए इसलिए बंद हो चुके सब दुकानें। आप लोग ध्यान रख के जाना है, और बिना मास्क का तो अपन जाना ही नहीं, बहुत जरूरी होते चाहिए, नहीं तो नहीं जाने में अच्छा है। लॉकडाउन के चक्कर में मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाई, बहुत सारा काम था, जैसे आप लोग का भी इतना ही काम हुआ होगा, बच्चों का एग्जाम था, बच्चों से मदद भी नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा बर्तन, इतना ज़्यादा बैक टू बैक बर्तन धुल धुल के मेरा तो ये उंगलियाँ सब सूज गए, आप देख अंगूठी भी मैंने निकाल दी, और डॉक्टर्स भी मना कर रहे थे कि नहीं पहनना, इसलिए मैंने निकाल दिया, और इस हाथ में चूड़ी भी इसलिए निकाल दी, ये आ रहा था तो मैंने निकाल दिया, ये पूरा दर्द हो रहे थे काम कर करके, इसीलिए ये ठीक होगा तो तब मैं पहनूंगी, क्योंकि अभी पूजा के एग्जाम्स हो गए, उसका मदद होगा, मैं वापस अच्छी हो जाएगी सब, बहुत बहुत दर्द हो रहे थे ये, इसलिए इस हाथ में इसलिए पहने कि ये निकले नहीं, ये निकल गए, इसीलिए बहुत छोटे छोटे हैं, निकल गए इसलिए मैंने निकाल दिया, ये अंगूठियाँ भी मैंने निकाल दिया। हालांकि डॉक्टर से सब अभी पहनने के लिए मना कर रहे हैं, अपन नहीं पहनेंगे कुछ समय के लिए, पर मुझे ये स्वस्थ रहने के लिए पहनने के लिए ज्योतिष ने बताया, इसलिए मैं पहनती हूँ, कुछ नहीं तो गले में पहन लूँगी या तो रस्सी बांध के।